गाइज, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। और आज मैं जाने वाला हूँ ट्रेड फेयर, और दिल्ली के अंदर जो लगता है व्यापार मेला जैसे बोलते हैं, तो हम लोग ट्रेड फेयर जाने वाले हैं। मैं, चारू और संगमित्रा एंड उसके दोनों भाई, तो हम लोग ट्रेड फेयर जा रहे हैं। और अभी बज चुके हैं 12, हम थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन हम लोग जा रहे हैं अब। तो फिर चलते हैं और मिलते हैं आपसे ट्रेडर सीधा ट्रेड फेयर में। और मैंने भैरव बाबा मंदिर की जो पार्किंग है उसमें लगा ली है गाड़ी, और अभी हमें गेट नंबर 4 पे जाना है, क्योंकि हमारा कोई रिलेटिव है और उसने पास अरेंज किए हैं, तो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री होने वाली है ट्रेड फेयर में। भैरव बाबा मंदिर पे गाड़ी को पार्क कीजिए, 120 रुपीज़ आपके लगेंगे गाड़ी को पार्क करने के लिए फुल डे के। और आप वहाँ से थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे आएंगे तो आपको गेट नंबर N4 आ जाएगा। आप पार्किंग से बाहर निकलेंगे तो लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे 4 और 5 नंबर गेट है। सो हमें पिक करने के लिए अभी भैया आ चुके हैं, तो इनके साथ हम सीधा डायरेक्ट अंदर जाएंगे। हमारी एज अ VIP एंट्री होने वाली है, तो सीधा अंदर जाके फिर मैं आपको दिखाता हूँ अंदर क्या क्या है इस बारी के ट्रेड फेयर में 2020। ये है टिकट जो हमें मिल चुकी है। तो आप देख सकते हैं ये टिकट उन्होंने फाड़ दी है और हमारी एंट्री हो चुकी है। और ये मोहित एंड आयुष, इनकी भी एंट्री हो चुकी है, और आते ही आप यहाँ पे सैनिटाइज कर सकते हैं। और ये आ रहे हैं दोनों, इन दोनों की भी एंट्री अभी हो जाएगी, चारू और संगमित्रा। चारू एंड संगमित्रा दोनों की एंट्री हो चुकी है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंट्री लेके कैसा लगता है? अरे ये तो घर की बात है, घर की बात है, बड़ा अच्छा। VIP एंट्री लेके कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। VIP फील कर रहे हैं हम हर बार। देख सकते हैं ये वाली जो बिल्डिंग है, एंट्री करती है आपको दिखेगा हॉल। तो ये अभी न्यू डेवलप्ड हुआ है, मतलब न्यू बिल्ड हुआ है, पहले ऐसा नहीं था, ये अभी अभी कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ हमें नई दिखने वाली है। ये गाइस यहाँ पे मस्ती करते हुए, ये मोहित, आयुष एंड ये दोनों अपना अलग दिखे। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ये चीज़ें क्रिएट की गई है, नहीं यहाँ पे पहले ऐसा नहीं होता था। यहाँ पे एंट्री भी काफ़ी अच्छी क्रिएट की गई है, और ये खाने पीने का यहाँ पे लगा दिया, SRS ग्रुप की राइट से ये खाने पीने का यहाँ पे है। और बेस्ट आप देख सकते हैं वामोमो है यहाँ पे, डोसा फैक्ट्री है, और मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ब्रांड्स आए हैं। क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल हॉल जो है वो 12A तक है। ये बैटरी प्लस साइकिल, मतलब बैटरी और साइकिल दोनों से चलती है। ये नया आया है इनका मार्केट में, और एज अ स्टार्टअप है आई थिंक। ये पूरा स्टॉल स्टार्टअप है आई थिंक, ये सारा यहाँ पे स्टार्टअप का है। गाइस अब हम आ गए हैं खाने पीने वाले स्टॉल्स पर, जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग थे, एक्साइटेड थे। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका स्टॉल लगा हुआ है श्री श्याम करके, और यहाँ पे एज अ कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट भी कराते हैं। तो हम सबसे पहले आके टेस्ट कर लेते हैं आपके साथ। ये है श्री श्याम वालों का स्टॉल, और यहाँ पे आपको सारी ठंड में जो चीज़ें आती हैं, रेवड़ी, मूंगफली, ये सब सारी आइटम मिल जाती हैं यहाँ पे आपको, और ये लोग टेस्ट भी कराते हैं। तो हम लोग ऐसा टेस्ट करते हैं। ये यहाँ पे है राजस्थान की गजक, राजस्थानी चिक्की, राजस्थानी तिलपट्टी। ये राजस्थान की पट्टी है जो हम टेस्ट करने वाले हैं। काफ़ी टेस्ट ऑथेंटिक है, और ये आई थिंक गुड़ से बनी हुई है, ये गुड़ से बनी हुई है, चीनी नहीं है इसके अंदर, प्योर गुड़ है। काफ़ी अच्छा
इसको क्या बोलते हैं? ड्राई फ्रूट गजक। तो गाइस ये है पंसारी वालों का स्टॉल और इनके पास सारे यहाँ से हम इस्तेमाल करेंगे काली मिर्ची टेस्ट। प्लीज काली मिर्ची टेस्ट करिए गाइस, ये कल सुबह पता चलने वाला है पर ये बहुत ही है। दुआ दिस इज ऑथेंटिक काली मिर्ची। आप खाओ। नहीं मैं नहीं, मैं ऐसे खतरों के खिलाड़ी मैं नहीं खेलती। हम फ्री वाली आइटम, हम टेस्ट करने के लिए फ्री वाली आइटम्स पे जाएंगे और वो हम खाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रेड फेयर में आने का ना मजा हो जाता है कि फ्री वाली आइटम्स मिल जाती है। लेट्स गो टू मिक्स ओ मिक्स। तो गाइस हम आ गए मिल्क और मिक्स पे। यहाँ पे इनका आउटलेट है और इनके पास अलग अलग तरह के बादाम शेक एंड स्ट्रॉबेरी शेक, चॉकलेट शेक है। तो हम कितने जने हैं? पाँच जने, और हम टेस्ट करने वाले पाँच जने और एक एक अलग अलग फ्लेवर्स का टेस्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। कौन सा फ्लेवर है? कौन सा फ्लेवर है? बटरस्कॉच। ओह वाओ, ये बटरस्कॉच संगमित्रा एंड चारू ने दिया। कैसा है? कैसा है? इट्स वेरी यम्मी, बहुत अच्छा। और भी कोई फ्लेवर है? और भी कोई फ्लेवर है सैंपल के लिए? अरे यार ये तो गलत, आपको डिफरेंट फ्लेवर रखने चाहिए। दिस इज फॉर मोहित एंड दिस इज फॉर आयुष एंड मी एज वेल। कुछ ज़्यादा थोड़ा सा ही दिया आपने, थोड़ा सा और दे दो, इसको फिल कर दो। ओह वाओ, इन मैम के पास आ जाना, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट करा देंगे फुल, देख रहे हो आप। तो इनके पास अलग अलग टाइप के चिप्स भी हैं, तो ये चिप्स टेस्ट करा रहे हैं। ओ आई एम टेस्टिंग दिस वन, सोया कचरी। मोहित आयुष, सोया कचरी, हैव सम सोया कचरी। ये तो खत्म हो गई, फिनिश हो गई ना, अभी से ट्राई और निकालो यार। नींबू का चार तो मस्त है। हमने अभी कितनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे देखी। तो ये एक बहुत बड़ा हॉल है, 5 नंबर हॉल है और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं और मतलब इसके अंदर ही काफ़ी चीज़ें ऐड कर दी गई एक ही हॉल के अंदर। तो अब जैसा कि मैं अपने सामने देख सकता हूँ, उत्तर प्रदेश का स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि मतलब अंदर ही अंदर इंसान घूम रहा है, अंदर ही अंदर सारी चीज़ें उसको मिल रही हैं। तो अभी गाइस हम लोग आ गए बिहार के अंदर। तो आप देख सकते हैं दिल्ली में रहते रहते हम बिहार के दर्शन कर रहे हैं और बिहार में जो जो सामान मिलता है तो आपको स्टॉल उसी टाइप के सारे बिहार के ही मिलेंगे। बिहार में जो जो चीज़ें फेमस है वो आपको बिहार के अंदर मिलेंगी। एंड इसके जस्ट साइड में ही झारखंड स्टार्ट हो जाता है और झारखंड के अंदर सारी आपको झारखंड की जो भी चीज़ें फेमस हैं वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी।
गाइस हम लोग अभी आ गए हैं असम में, और जैसा कि आपने देखा था बाहर वो मशीन से बुनाई कर रहे थे कपड़े की मैन्युअली, और यहाँ पे एक और फैंटास्टिक चीज़ है असम के अंदर ही, आप देख सकते हैं लाइव कैटरपिलर, ये सिल्क वॉर्म है, सिल्क बनाता है ये, और ये असम में पाया जाता है। तो गाइस यू कैन सी दैट दिस इज सिल्क वॉर्म जो होता है कैटरपिलर, की जो स्टेजेस हैं वो ऐसे होती हैं, सबसे पहले ये इसके पिक्स होते हैं, दैन इसकी फर्स्ट स्टेज में ये ऐसा कुछ टाइप का दिखता है, एंड दिस इज अ सेकंड स्टेज, एंड दिस वन इज अ थर्ड स्टेज, एंड दिस वन इज अ फोर्थ स्टेज, एंड दिस इज फिफ्थ स्टेज, एंड उसके बाद ये ऐसा कुछ बन जाता है, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं दिस टाइप, और उसके बाद ये कुकून टूपा पेरिंग मुगा लाइफ साइकिल है पूरे इसकी, ये भी है, और इस टाइप का ये जनरेट करता है इस टाइप की, और उसको उस पर इस मशीन में डाला जाता है। आप देख सकते हैं ये हैंडमेड्स बनाते हैं इस टाइप का, ये आंटी बना रही हैं इसको प्रॉपर मशीन से क्रिएट हो रहा है, ये इस टाइप का बैग इन्होंने क्रिएट किया है। माई डेली माई प्राइड, और ये है दिल्ली का पवेलियन, और आप देखते हैं एंटर करते ही ये स्मॉक टावर अभी दिल्ली के अंदर नया लगा है, सीपी के पास इसको लगाया गया है स्मॉक टावर को, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, दैट्स वाई स्मॉक टावर की ज़रूरत है। और ये मोहल्ला क्लिनिक अपने केजरीवाल जी का उद्घाटन, और उसके बाद लाल किला आप सामने देख सकते हैं। सो गाइस वी आर इन उत्तराखंड, और सारा इंडिया हम आज ही घूम लेंगे, अब उत्तराखंड में आ गए, तो थोड़ी सी ठंड फील नहीं हो रही है, ठंड के मौसम में यहाँ बर्फ़ नहीं दिख रही मुझे कहीं। तो गाइस हम लोग आ गए पवेलियन से बाहर निकल के, 4-5 से बाहर निकल के सीधा आके, जब आप 7-8 पवेलियन की साइड पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे बीच में फूड कोर्ट मिलेगा, यहाँ पे स्टेट वाइज फूड मिलेंगे आपको सारे, तो यहाँ से फूड स्टार्ट हो जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज़ छोले भटूरे, एंड ये छोले भटूरे, और मक्के की रोटी, सरसों का साग बना दिए, ये रोटी आ गई, और दिस इज़ पाव भाजी, झारखंड स्पेशल कुल्लड़ चाय।
तो गाइज हमने पूरा ट्रेड फिर घूम लिया और 12 के 12 पवेलियन हम लोगों ने घूम लिया और अब हम जा रहे हैं घर वापस। 7:30 हो चुके हैं, प्लस मज़ा आ गया पूरा दिन और थक गए हम लोग सारे के सारे, थक चुके हैं हम तो। अभी एनर्जी बाकी है, इतने भी नहीं थके हैं, इतने नहीं थके हैं। चार पवेलियन और घूम ले क्या? अभी एक्साइटिंग इतना कुछ है नहीं घूमने में, क्या मेरे को तो मतलब पहले तीन को छोड़कर बाकी सब सेम लगे। चलो ठीक है गाइस, कुछ नया नहीं है लेकिन ये है कि थोड़ा सा डेवलप किया गया है यहाँ पे, काफ़ी इसको नया बनाने की कोशिश की है और काफ़ी चीज़ें हटा भी दी हैं और काफ़ी चीज़ें नई भी लेके आए हैं। तो मतलब वन टाइम विजिट तो बनता ही है क्योंकि साल में एक बार बनता लगता है, क्योंकि अभी ये न्यू बिल्डिंग और न्यू बिल्डिंग भी बनी है यहाँ पे काफ़ी, वो भी काफ़ी अच्छी है, अंदर से इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी उसका अच्छा है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बिल्डिंग है। तो अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और अब घर जा रहे हैं हम लोग। और इस व्लॉग को कर दीजिए लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग पर।